ये वाला तो किया ही नहीं यार। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको लहंगा दिखाऊंगी और आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सी पहनना है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Mystery on Mithu। तो भी आए हम लोग घर क्योंकि मिठू जी का है बर्थडे, जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम में आपने देखा ही। तो चलो आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं रात में। तो अभी मैं आपसे अपना लहंगा शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास दो न्यू लहंगा है, ठीक है। और एक ही बार पहनी थी छठ पूजा में, शायद उसके बाद नहीं पहने थे या पहने होंगे तो याद नहीं है। तो मैं अभी आपको लहंगा दिखाऊंगी एंड आप कमेंट करना कि मैं शादी है तो शादी में वो लहंगा पहने कि नहीं पहने। तो अभी इस ट्रंक में है, मैं आपको निकाल के अच्छे से दिखाती हूँ और आप लोग अपने कमेंट में ढेर सारा कमेंट करो, मतलब हमारे कमेंट में ढेर सारा कमेंट कीजिए, हैप्पी बर्थडे बोलिए मिठू जी को, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत कमेंट आया। तो इंस्टाग्राम में यहाँ से जो इंस्टाग्राम में है हमारे उसको थैंक यू, सबको मेरे ऐसे भी सबको रिप्लाई दे दिया है, जो छूट गया उनको थैंक यू। मेरा ये पता है क्यों खरीदेगा, इस शादी के लिए ही, कि घर में अगर शादी वादी हो या फ्रेंड की शादी हो तो इसमें ये सही होगा, क्योंकि मेरे साड़ी लहंगा चूड़ा वगैरह पर्स और सारी चीज एक ही में आ जाए। ऐसे ये खुल गया, सबसे सामने ही है मेरा। तो ये रहा, ये मेरा ना ब्लाउज है, ये अभी बोले ना बिल्कुल है, ये मुझे ऐड करने के लिए मिला था तो मैं अभी तक इसको पहनी नहीं हूँ। तो ये वाला सिलवाई ये ब्लाउज, तो आप लोग कमेंट करना कि ये कैसा लग रहा। ये देखो मैं फोटो ले लीजिएगा, तो ये अभी पूरा खुला हुआ है, ये भी बनवाए नहीं है, तो लहंगा को भी जाएंगे बनवाएंगे और ये कुछ ऐसा रहेगा टटरा। तो इसका लहंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ब्लाउज भी अच्छा लगता है, लेकिन इसकी जो दुपट्टा है ना ये बहुत थोड़ा ठीक का लगता है मुझे। ये देखो गाइस, ये वाला लहंगा भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन शायद मैं इसे छठ पूजा में पहनी हूँ, छठ में या किसी के फंक्शन नहीं, छठ में ही पहने हैं, ठीक है। तो इसको पहन लिया, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है शादी वाला ब्लाउज। इसकी साइज कम है क्या, ये तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम वो आसमानी वाला पहने या फिर ये पिंक पिंक कॉम्बिनेशन वाला ये पहने हैं। इसका ब्लाउज तो सिला हुआ ही है क्योंकि इसको पहने थे, इसलिए इसका ब्लाउज ये रहा। तो ऐसा करके मैं दिखाती हूँ ऐसे, ये तो खैर सिला हुआ है, लेकिन अगर वो वाला मेरे को पहनना होगा तो उसको मुझे सिलवाना होगा ब्लाउज, क्योंकि वो मैंने एक बार भी नहीं पहना। अगर इसको दो बार पहने होंगे तो नहीं पहनेंगे क्या। तो चलो ऐसे ही था, मैं कुछ दिखा रही थी और थोड़ा सा रख लेते हैं फिर आपसे बातें करते हैं। तो गाइस मेरे पास एक और लहंगा है, ये बिल्कुल न्यू है, तो आप देख सकते हो ऐप से ही, ये मेरा सिला हुआ लहंगा है, मतलब बना हुआ है। तो ये लहंगा कुछ ऐसा है, ये इसके नीचे हो गया। इस कलर पता मुझे बहुत पसंद है, ये कलर मतलब बहुत रेड हम तो बहुत पहने, एक साल तक हम रेड और येलो इतना पहने कि आप लोग खुद बोले कि रेड और येलो के अलावा दूसरा कलर पहन लिया। तो मैंने तो खूब पहन लिया और इसका ब्लाउज बहुत ही डिजाइन टाइप का है, तो ये थोड़ा सा लग रहा है, ये ऐसे होगा इसकी ब्लाउज, ये कुछ ऐसा रहेगा। तो अब आप कमेंट कीजिए अपने कि मैं मतलब येलो वाला वो पहनूं, गोल्डन येलो, या फिर वो जो आसमानी कलर का था वो पहनूं, या फिर ये पहनूं। और इसके बाजू पता है कैसे है, इसका बाजू ना कुछ ऐसा, मैं घुसा के दिखा देती हूँ, ये देखो भाई ये ऐसे है इसका बाजू। तो इसलिए शादी में क्या सही लगेगा आप इन तीनों में से बताइए कि कौन सा सही है पहनने का। ऐसे तो हमारे फरवरी में बहुत फंक्शन है, हमारा खुद का बहुत सारा है, जैसे कि इंगेजमेंट डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, बहुत सारा डे है, तो उसमें से कुछ ना कुछ पहन लेंगे। और मेरी दोस्त का भी शादी है, किसका शादी हो तो अभी नहीं बताएंगे बट है, तो इसमें बताइएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम वो आसमानी वाला सिलवाए या नहीं सिलवाए। हो गया रेडी और यहाँ पे शिंता कर रहा है मेकअप टेबल का, इधर से बिछाने के लिए ये गंदा है।
उल्टा है, थोड़ी पता चलेगा, अच्छा लग रहा है देखने में फोटो में, बस लग रहा है बालो लाख छे। आज होगा पार्टी, खाएंगे हम लोग केक, तो चलो दिखाती हूँ मैं केक। ये क्या पैक है क्या ये, चलो टेप खोलिए भाई साहब, बहुत ठंड है। और सिमसिमाता निकला, अरे वाह अजीब सा आ रहा है, एकदम बेकार आ रहा है इसमें, धुंधला धुंधला आ रहा है, करिया करिया आ रहा है वो। मोबाइल का लाइट जला के रख दीजिए ना यहाँ पे, वो तो खराब है ना। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे सही ठीक आ रहा है, 05 से नहीं लेंगे, 1 से ही लेंगे। मम्मी उस सजा तो थी वो उधर, मम्मी सब कुछ किया, अरे वो लोग खुशी है मोमबत्ती वाला करिए। हाँ, पहले तो सजा लाता हूँ जलाने के ना, पहले क्या करता है क्या मम्मी तुमसे तो पूछे थे। हाँ इधर देखिए, आज पैसा ले रहे हैं, अब क्या पैसा करेंगे। अरे बाप रे बाप, बापी मेरे बर्थडे, मेरे बर्थडे भी दे दीजिएगा 500। ये मजा आ गया, ठीक है वो 500 हमको दिखा के दीजिएगा ताकि हम ले लें। नाम से उसका उसका मिले। अरे ये वाला तो किए नहीं यार, यार ये वाला तो ये क्या हुआ, मिस्टर स्नो वाइट, इसको क्या बोलते हैं, स्कीमो। हाँ ये वाला सही हुआ, लेकिन जिंगल बेल। नहीं नहीं मम्मी के ऊपर, मम्मी नहा लेगी अभी जाके, नहीं खाई आप खाइए ना, हम लास्ट में लेके फिर सीन दे देंगे आपको। आइए मुस्कान जल्दी आओ, नंबर में लगा हुआ है। बस 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 बस, ये बर्थडे हो गया कल आपका, ठीक है ना, कल हो गया बर्थडे, अब पुराने हो गए, नए नहीं है। चलिए पेपर पढ़ रहा है। तो गाइस ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए, कैसा लगा इसका, कौन सा ड्रेस इसको पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए, पहनना पहनना। और तो, आपका बर्थडे कैसी लगी आपको, मस्त बर्थडे था, कुछ खट्टा तो कुछ मीठा था, मजा आ गया। हाँ सही है, तो चलो गाइस बाय बाय, अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा ना।